मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस पर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। आज पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस का जश्न मनाया गया। वहीं मुंगेली जिले में भी भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर जगह जगह मिठाई के साथ जरूरतमंदों के लिए ब्लड दान भी किया गया। वहीं आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ कहा, आइए देखें ये रिपोर्ट। आदिवासी चिन्हारी के गढ़त है आधार, देवत है सम्मान हमर छत्तीसगढ़ सरकार। वन भूमि वनोपज वनवासी के अधिकार, तेंदु पत्ता लावत है खुशी हमर दुआर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासी समाज के उत्थान, सम्मान और पहचान के लिए किए अभूतपूर्व कार्य। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन सदियों से हमारी पहचान रहे हैं। 2.5 साल पहले नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेते हुए हमने आदिवासी भाई बहनों तक उनके सभी अधिकार पहुंचाने का वादा किया था। अपने इसी वादे के अनुरूप हमने लगातार ऐसे कदम उठाए जिनसे वनों के साथ आदिवासियों का रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। वन भूमि पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमने व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टे तो बांटे ही हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी दिया है। इससे अब उनके गांव को भी अपने जंगलों के संसाधनों पर मालकाना हक मिल गया है। हमारी सरकार की मंशा है कि हर गांव को डॉक्टर और मास्टर की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। आज बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक सभी आदिवासी क्षेत्र के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण के साथ साथ उन्हें चलाने वाले विशेषज्ञ और डॉक्टर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। शांति, विकास और विश्वास का रास्ता इन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है। वनों और वन संसाधनों पर आदिवासी भाई बहनों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए हम सुख, शांति और समृद्धि के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए आदिवासी संस्कृति को दिलाए वैश्विक पहचान। छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ सरकार के संग कह रहा है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।